हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश हरे सांगरे की सब्जी, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसे खूब पसंद भी किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दही वाली हरे सांगरे की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सांगरे की सब्जी बनाने के लिए हमने क्या लिया है देखते हैं। ये मैंने लगभग 500 ग्राम सांगरे लिए हैं। ये सांगरे जो इस टाइप की होती है, इस तरह से लंबी लंबी होती है। हमने आगे वाला मुंह हटा के इसको इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और एक लिया है बड़े साइज का प्याज, इसको थोड़ा बारीक काट लिया है। आधा कप दही लिया है हमने। मसालों में हमने लिया है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा, नमक, 8-10 लहसुन की कलियां जिसको बारीक काट लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो सबसे पहले हम दही के अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम ले लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच हम ले लेंगे धनिया पाउडर। नमक ले लेंगे हम 1 छोटा चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। तो ये गोल बना के तैयार कर लिया हमने, इसको हम साइड में रख देते हैं। और जो सांगरी ली थी उसको हम बॉईल करेंगे सबसे पहले, तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड, 4 से 5 मिनट के लिए सांगरी को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और ये अच्छे से बॉईल हो गई है। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ये सॉफ्ट हो गई है अच्छे से ये। तो अभी हम चलते हैं सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसमें डाल देते हैं हम जीरा, जीरा हल्का सा तड़क जाए। अभी हम इसमें डाल देते हैं ये लहसुन की कलियां जो हमने काट के रखी थी। हल्के से तड़क जाए तभी हम इसमें डाल देते हैं ये कटोरी प्याज। सभी को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया है, ज्यादा नहीं भूनना है प्याज को, बस इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये मसाला जो हमने दही के अंदर बना के रखा था और इसको लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वरना दही ये जो फट जाता है। हम लगातार चलाते हुए मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप, एकदम ऑयल अलग हो गया है मसाले से। अब हम इसमें डाल देते हैं सांगरी, इसका हमने पानी निकाल लिया है। तो मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देते थोड़ा सा पानी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और पकने देंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सब्जी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका दिया है और आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक गई है और कितनी अच्छी सब्जी बनी है इसकी। और आप इसमें दही का यूज जरूर करें क्योंकि दही से ये सब्जी है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सब्जी बनके तैयार है, अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हरे सांगरे की सब्जी बनकर तैयार है। कितनी आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये और हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छी होती है। तो आप भी जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।